नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 12.2 का प्रश्न 6 हम करने जा रहे हैं। प्रश्न है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसको ध्यान से देखिए, यह एक वृत्त है, इसका मान लीजिए केंद्र है ओ और यह एक जीवा है। मान लेते हैं इस जीवा का नाम है ए बी। तो बच्चों यह जीवा इस वृत्त को वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। यह जो कोण होगा यह 60 डिग्री होगा। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों पहले तो समझ लो कि लघु वृत्त खंड क्या है। देखिए इस जीवा के द्वारा यह जो जीवा है ए बी, यह जो लाइन है ए बी, यह इस वृत्त को दो हिस्सों में बांटती है। एक हिस्सा यह है जिसको मैंने हरे रंग से शेड किया है, यह है लघु वृत्त खंड, छोटा वृत्त खंड, वृत्त का छोटा खंड। और एक हिस्सा बच्चों यह है जिसे अब मैं ब्लू पेन से अंकित कर रहा हूं, यह सारा, यह जो सारा हिस्सा मैंने शेड किया यह है दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है बच्चों, ग्रीन वाला यह छोटा सा लघु वृत्त खंड, ब्लू वाला यह बड़ा वाला दीर्घ वृत्त खंड। तो इनको निकालने का क्या तरीका है बच्चों? हमने सबसे पहले लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल का अपने वीडियो में हमने एक फॉर्मूला किया था। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल यह बराबर होता है थीटा अपॉन 316 टू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा के बराबर। यानी कि इस पूरे त्रिज्या खंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा माइनस कर दो तो यह लघु वृत्त खंड जिस पे मैं पेन फिरा रहा हूं यह लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी प्रकार से इस वृत्त में इस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आएगा उस सूत्र से जो कि है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर है थीटा अपॉन 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये तो होगा बच्चों ये लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ का कैसे निकलेगा? हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल जो कि होता है पाई आर स्क्वायर उसमें से यह लघु वाला माइनस कर देंगे तो दीर्घ वाला आ जाएगा। वो हम बाद में करेंगे, पहले हम लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। आइए चलते हैं। देखिए थीटा है 60 बटा 360 गुना पाई। बच्चों ध्यान से देखो, प्रश्न में हमें कुछ वैल्यूज दिए हैं, हमें यही यूज करनी है। पाई दिया हुआ है 3.14 तो हमें यही यूज करना है। गुना आर स्क्वायर, त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हमें 15 गुना 15 ही यूज करनी है। माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर है 15 गुना 15 गुना साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा, थीटा है 60 डिग्री। ये थोड़ा सा आगे चला गया, कोई बात नहीं। अब हम बच्चों इसको हल करके देखेंगे। आइए सबसे पहले देखिए, शून्य से शून्य कट जाएगा, 6 से 36 कट जाएगा, 6 छके 36 तो हमारे पास आ गया 3.14 गुना 15 गुना 15 बटा 6। ठीक है बच्चों, जब हम इसे हल कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वह आएगी 1.57। ये आप हल करके, इसे हल करके आप देख सकते हैं, ये आपके पास 1.57 वैल्यू सॉरी बच्चों यहां थोड़ी सी गड़बड़ है, हम इसे और भी आगे काट सकते हैं ताकि थोड़ा सा ये और सरल हो जाए। देखिए दशमलव हटा दो, नीचे लग जाएगा 100। तीन के पहाड़े में 3 × 2 = 6, तीन के पहाड़े में 3 × 5 = 15 और ये जो 2 है यह 314 से कट जाएगा,
3 × 2 = 11, 2 × 5 = 10, 1 × 4 = 14, 2 × 7 = 157। ठीक है बच्चों, तो इससे हमारे पास लेफ्ट साइड पर जो वैल्यू आएगी वह आएगी 157 × 5 × 15/100। ठीक है बच्चों, और यह जो वैल्यू हमारे पास आखिर में आएगी यह आ जाएगी 117.75 माइनस, आगे देखते हैं, यहां पर है 15 × 15 × sin 60° / 2। देखो बच्चों, 15 × 15 होता है 225 गुना साइन 60° होता है, ये दो यहां पहले से हैं, साइन 60° होता है √3/2। तो देखिए अब ये बन गया है 117.75 माइनस 225 गुना √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 1.73, और इसके नीचे है 2 × 2 = 4। ठीक है बच्चों, तो इसे जब हम हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 117.75 माइनस 97.3125। ठीक है बच्चों, और जब इसे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 20.4375 cm², ये भी है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस प्रश्न का प्रथम भाग यानी कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया है। ये संगत अभी लघु यानी इसका एरिया आया है, ये छोटे वाले का एरिया आया है। ठीक है बच्चों, अब हमने निकालना है बड़े वाले दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उसे मैं लिखूंगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वह बच्चों किसके बराबर होगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यह जो अभी निकाला इसको माइनस कर देंगे। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², इसमें से हम माइनस कर देंगे जो अभी आया है, यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आइए अब इसे हल करके देखते हैं हम। देखिए बच्चों πr², पाई है 3.14 गुना रेडियस है 15 × 15 माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने अभी निकाला है 20.4375 cm². इसे अब हमने हल करना है। तो बच्चों देखिए 15 × 15 होता है 225, 225 को जब 3.14 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 706.5 माइनस, इसमें से माइनस करना है 20.4375 cm² में हमारा उत्तर आ जाएगा। और जब बच्चों हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 686.0625 cm². तो इस प्रकार से 686.0625 cm², आप इसको माइनस करके चेक भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास देखिए ये आ गया है लघु यानी ये छोटे वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और ये आ गया है ये बड़े वाले नीले वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो एबी के इस तरफ दीर्घ लघु और उस तरफ को दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल था, वो हमने सूत्रों की मदद से ज्ञात किया है। तो बच्चों
इस वीडियो के माध्यम से हमने इस प्रश्न को हल किया है। आशा करता हूं आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। किसी भी स्टेप से यदि आपको प्रश्न ना समझ आया हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके थोड़ा पीछे जाकर दोबारा देखकर उसे अच्छे से समझ सकते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर आप अन्य प्रश्नों को देखकर उनके वीडियोस को देखकर उन्हें अच्छे से समझ भी सकते हैं और अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।